हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे जीमेल अकाउंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों को टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रॉब्लम, सेम जीमेल पे कोड जा रहा है बट यहाँ पे नोट अटेम्प्ट के लिए ऑप्शन आ जा रहा है, जीमेल पे आपको ओटीपी जा रहा है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को अटेम्प्ट लग चुका है, मोबाइल नंबर पे लिमिट लग गया है, जीमेल पे लिमिट लग चुका है। जो जीमेल रिकवरी करना चाहते हैं उसी जीमेल पे कोड जा रहा है, ऐसे स्थिति में आप लोग को रिकवरी करना नहीं आ रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फेसबुक या इंस्टाग्राम या जीमेल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं आरके हेल्थ ऑफिशियल में। तो सबसे पहले जीमेल रिकवरी करने के लिए आपको आईडी नेम और डेट ऑफ बर्थ मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जो जीमेल बनाए हैं वो जीमेल आपको पता होना चाहिए, जीमेल से ही आपको पता चलेगा कि कौन से कैटेगरी में कैसे रिकवरी होता है, कौन सी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना होता है, किस तरह किस पे ट्रिक अप्लाई करना होता है, सारी बातें आप लोग को पता होना चाहिए। उसके लिए आप लोग को जीमेल मालूम होना चाहिए, जो जीमेल रिकवरी करना चाहते हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले, जानने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जीमेल रिकवरी करने के बाद आप लोग को हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, सारा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके मैं बताता हूँ, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग भी जीमेल अकाउंट रिकवरी करना चाहते हैं, सेम जीमेल पे कोड रिसीव हो रहा है, जो जीमेल रिकवरी करना चाहते हैं उसी जीमेल पे ओटीपी है, तो ऐसे स्थिति में आप लोग रिकवरी नहीं कर पाते हैं। तो रिकवरी करने के लिए इसमें तीन स्टेप को फॉलो करना होगा। दोस्तों, जो मैं तरीका बताऊंगा वही तरीका अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये तरीका एक ही बार काम करता है। सही तरीका से अप्लाई करिएगा तो आप लोग को भी आईडी 110% रिकवरी हो जाएगा। जो मैं तरीका बताऊंगा वही तरीका अप्लाई कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप लोग को जीमेल अकाउंट रिकवरी करना है, प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ से लोगों पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग को हेल्प एंड फीडबैक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप लोग को कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा कॉन्टेक्ट अस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप लोग को फीडबैक डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जीमेल के खिलाफ रिपोर्ट लगा सकते हैं कि हमारा जीमेल अकाउंट में सेम जीमेल पे रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेम जीमेल पे कोड रिसीव हो रहा है, सेम जीमेल पे कोड रिसीव। ऐसे लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक वेरीफाई योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आएगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको गूगल प्ले ऐप क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कर लेना है। जैसे ही इस तरह के ऑप्शन आएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप लोग को जीमेल वाला एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे चैट और जीमेल, तो जीमेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोग को इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। जो आप लोग जीमेल रिकवरी करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे अपना नाम और यूजर नेम डाल लीजिएगा। तो जीमेल यहाँ पे अपना टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे जीमेल मैं डाल दिया हूँ, जो जीमेल रिकवरी करना चाहेंगे वही यहाँ पे फिलअप करिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इशू, मतलब आपको क्या चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा होगा वही आप लोग यहाँ पे कर लेना है। तो चलिए मैं स्क्रीन शॉट यहाँ पे करके और यहाँ पे टेक्स्ट में डाल लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लाइव, यहाँ पे सेम जीमेल पे कोड रिसीव हो रहा है, बट यही प्रॉब्लम आप लोग को भी चल रहा है, तो इसको हम स्क्रीनशॉट या यहाँ पे इसको हम टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे। तो चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस तरह के आपको यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर लेना है, जो आपको जीमेल रहेगा वही आपको वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से आपको फिलअप कर लेना है, और जो यहाँ पे जीमेल रहेगा वही जीमेल यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे जीमेल अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं जीमेल अपडेट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिटेड का, सबमिटेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोगों को फीडबैक सेंड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक आपको ट्रैकिंग आईडी मिल चुका है, यहाँ से आप लोग को 24 घंटे का वेट करना है। दोस्तों, जैसे ही 24 घंटे हो जाएगा उसके बाद आप लोग को ईमेल पे एक नोटिस आएगा रिकवरी ईमेल का। जैसे ही नोटिस आएगा उसके बाद दोस्तों आप लोग को न्यू पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद वहाँ से आप रिकवरी कर सकते हैं। ये पहला तरीका था दोस्तों, अब दूसरा तरीका पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको बैक होना है, पूरा यहाँ पे डाटा एज कर लीजिएगा। उसके बाद प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, सर्च बार में यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्राउजर। जैसे ही ब्राउजर सर्च करेंगे ये एप्लीकेशन आप लोग अपडेट या डाउनलोड कर लीजिएगा।
यहाँ पे जैसे ही ओपन करेंगे इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है रिकवरी जीमेल अकाउंट, रिकवरी जीमेल अकाउंट। यहाँ पे जैसे ही सर्च करेंगे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे थर्ड नंबर पे रिकवरी ईमेल, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग को इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही डायरेक्ट वहां पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग को बिना ईमेल डाले हुए यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से आ गया है तो आप भी अपना अकाउंट रिकवरी आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तो आप लोग को पासवर्ड पता है नहीं, तो ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ से आप लोग को तीन ऑप्शन मिलेगा, इंटर द पासवर्ड, यूज योर पास की लॉक, यहाँ पे गेट हेल्प। तो आपको यहाँ पे गेट हेल्प पे आपको क्लिक करना है क्योंकि पासवर्ड तो याद नहीं है, पास की लॉक भी डाले वो भी याद नहीं है, यहाँ से आपको लास्ट पासवर्ड खोज रहा है तो भी याद नहीं है। तो उसके बाद ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग को लाइव देख सकते हैं कोड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया है। पहले से आ रहा था नोटिफिकेशन कि जीमेल जो रिकवरी करना चाहते हैं वही जीमेल पे आपको यहाँ पे आ रहा था कोड, लेकिन वो हट चुका है। वो कैसे हटा है उसके लिए मैं पीछे वीडियो में बताया हूँ, रिपोर्ट कैसे लगाया जाता है। रिपोर्ट लगाने के बाद 24 घंटा छोड़ दीजिएगा तो स्टेट हट जाएगा, जो सेम जीमेल पे कोड जा रहा है वो हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग को नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ से रिकवरी हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। ओटीपी डालते ही दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोग लाइव देख सकते हैं वेलकम बैक आ चुका है। इसी तरह से आप लोग रिकवरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, ये दूसरा तरीका था। यहाँ से आप लोग अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो स्किप पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो भी बनाना है और आप लोग को सिखाना भी है। तो उसके बाद यहाँ से फिर से न्यू टैब बना लेना है। अब तीसरा तरीका बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पहला तरीका अगर आपको काम नहीं किया है तो आप दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका अप्लाई नहीं कर पाए बाई चांस मिस्टेक में गलती कर दिए तो तीसरा सही से कीजिएगा दोस्तों, आपको 110% आपको रिकवरी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है क्या, gmail.com। जैसे ही gmail.com सर्च करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ईमेल जीमेल अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग को थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोग को एक सेटिंग वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इस सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प एंड फीडबैक का, तो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा हेल्प का, हेल्प वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोग को कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग को जो प्रॉब्लम रहेगा वही प्रॉब्लम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड फोन में, तो एंड्रॉइड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे देखिए आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा हाउ डू चेंज रिसेट योर गूगल पासवर्ड, यहाँ पे मतलब ईमेल का पासवर्ड मालूम नहीं है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा एंड्रॉइड कंप्यूटर आईपैड या आईफोन, तो एंड्रॉइड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉलो द स्टेप टू रिकवरी योर अकाउंट, नम फॉलो करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, नम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए आपको रिकवरी हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों जो जीमेल रिकवरी करना चाहते हैं वही जीमेल यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे ही टाइप करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोग लाइव देख सकते हैं पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ गया। ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से ट्राई अगेन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, बट यहाँ पे आप लोगों को कोड नहीं आ रहा होगा तो फिर से ट्राई अगेन पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर चेंज है तो फिर से क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर यहाँ पे 6 घंटे का वेट करने के लिए बोल रहा है आप लोग यहाँ पे लाइव, हम तो एडिट नहीं कर दिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को 6 घंटे वेट करना है। 6 घंटे के बाद आप लोग को रिकवरी लिंक मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग यहाँ से अकाउंट रिकवरी कर सकते हैं। उसके लिए मैं दोस्तों जो मैं तरीका बताया हूँ शुरू से अंत तक वही तरीका फॉलो कीजिएगा, तब जाके आपको ये 6 घंटे का ऑप्शन आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को ये ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों। तो 100% में 70% लोगों को आ चुका है और 70% लोगों को रिकवरी हो चुका है, काफ़ी लोगों को कमेंट भी आ रहा था। तो ये वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। तो फिलहाल दोस्तों आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। मान लीजिए आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आया तो शुरू से एंड तक देखिए, आप लोग को भी सही सलामत अपना अकाउंट रिकवरी हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 स्टेप बताया हूँ, 3 तरीका बताया हूँ, 3 तरीका आप अगर आप लोग सही तरीका से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको भी 110% आपका रिकवरी अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि पहला तरीका से अगर आपको अकाउंट ओपन नहीं होता है बाई चांस मिस्टेक में कुछ गलतियां रिपोर्ट लगा दिए तो ऐसे स्थिति में आपको अकाउंट रिजेक्ट भी हो सकता है, तो दूसरा तरीका यूज कीजिएगा तो आपको यहां से 110% रिकवरी होगा। सही तरीका से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तब जाके आपको अकाउंट रिकवरी होगा। मान लीजिए बाई चांस मिस्टेक में आप लोग को रिकवरी लिंक रिसीव हुआ, यूज नहीं किए तो रिकवरी नहीं होगा। तीसरा तरीका भी है, इसमें सारा चीज प्रोसेस में बताया है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताया हूँ दोस्तों। सही तरीका से पहले वीडियो को समझिए,
तब जाके आपको तीसरा तरीका अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको 110% आईडी रिकवरी हो जाएगा। तो रिकवरी करना है तो आप लोग को शुरू से एंटर वीडियो देख लेना है, देखने के बाद आप लोग को वीडियो में एक कमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद दोस्तों आप लोग को वीडियो को शेयर कर देना है। तो वीडियो ये पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।